खबर चंदौली से, जहां नौबतपुर स्थित निर्माणाधीन बाबा खीनाराम मेडिकल कॉलेज में चल रहे बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी धस जाने से एक मजदूर की मौत हो गई। वही मामूली रूप से घायल दूसरे व्यक्ति को पंडित कमलापति त्रिपाठी जिला चिकित्सालय चंदौली में इलाज चल रहा है। वही मृत व्यक्ति के परिजन को कंस्ट्रक्शन कंपनी के द्वारा बताया है कि मृतक के परिजन को 10 लाख रुपए की धनराशि परिजन को दी जाएगी। साथ ही इस संबंध में अपर जिलाधिकारी अभय पांडेय ने बताया कि प्रकरण की जांच कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगा। चंदौली से ब्यूरो नासिर अली की रिपोर्ट। इस घटनाक्रम की भी पूरी जांच कराई जाएगी जो है, और जो निर्माणकर्ता वहां जहां पर मिट्टी रहती थी उसकी भी जांच कराई जाएगी पूरी, उसके बाद ही उसके बारे में कुछ स्पष्ट बताया जाता है। ठीक है, जो अभी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी केपीसी द्वारा जिसके द्वारा निर्माण कार्य कराया जा रहा था उसके द्वारा 10 लाख रुपये का कॉम्पनसेशन देने की बात कही गई है मृतक के परिवार को, और इसके अलावा अन्य कोई भी कंपनसेशन यदि दिया होगा तो नियमानुसार उनको दिया जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में जो कंपनियां काम करती हैं उसको मैंडेटरी होता है WMC का इंश्योरेंस कराना, वर्कमैन कंपनसेशन, क्या इसका इंश्योरेंस था? जी देखिए, अभी इस घटनाक्रम की पूरी जांच कराई जाएगी जो है, और घटनाक्रम में जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।